Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So guys, today we will see his or her feelings for you. कोई भी ये person हो सकता है, ठीक है ना? आपके जो भी person हैं उनकी feelings क्या हैं, whatever the gender is, his or her. So reading जो guys है वो collective है, general है for all signs, for all genders. And collective reading है, आपसे जब भी आप लोग देखोगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा. सो जितना रेजोनेट करे इजीली उतना रखिए, बाकी को जाने दें. चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ईमेल गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा इंस्टा भी, मेरा फेसबुक भी. सो प्लीज़ चेक इट आउट, ठीक है? बिकॉज ऑल द डिटेल्स आर मैंशन इन द कमेंट, नॉट कमेंट, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव. आई रियली अप्रिशिएट इट गाइज, थैंक यू सो मच. आप जितनी रिस्पेक्ट करते हो, जितना भी लव आप देते हो, जितना सपोर्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेकर आती रहूँगी, ठीक है? मस्ट सब्सक्राइब करें आप चैनल को, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करेगा. आपका एक वीडियो को लाइक करना मेरे लिए बहुत मैटर करता है, आपके लिए चाहे वो नॉर्मल चीज़ हो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. फोकस ऑन योर पर्सन. ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है? आपने बस उनके बारे में सोचना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि एनर्जी जो है वो आपकी इस रीडिंग से अलाइन हो से, ठीक है? तो फोकस ऑन योर पर्सन एंड जस्ट स्टार्ट द रीडिंग. ये पर्सन कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन, योर एक्स, योर करंटली पर्सन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर फ्रेंड. बट क्रश की रीडिंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा. अनटिल और अनलेस जब तक क्रश की अंदर रीडिंग में एनर्जी ना हो, तब तक ये रीडिंग क्रश की नहीं है. ओके, आपके पर्सन की है. क्रश की रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल पे मुझे ज्वाइन करिए, जिसका नेम है टैरो 313 हिंदी उर्दू. सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर. सो वी हैव द मून. नंबर्स पे भी फोकस किया करें गाइज आप लोग, बिकॉज यही छोटे छोटे साइंस होते हैं जो आपको बताएंगे कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है. टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. देन वी हैव नंबर 15, द डेविल, कैप्रिकॉन. इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 18/2/15 हो सकता है, अदरवाइज 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 29/26 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपके पर्सन की. या यहाँ पर मुझे कैंसर की एनर्जी का, कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड. डेफिनेटली देर इज अ सिचुएशन, यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप सिचुएशन. डेफिनेटली ये उन लोगों की रीडिंग है जिनका इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है, आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है. आपकी एंडिंग हो चुकी है गाइज, एंड नाउ दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू रिकॉन्सिलिएशन विद यू. दिस पर्सन इज रियली लुकिंग फॉर अ मीटिंग. आपको छोड़ के चले गया इस पर्सन ने, हो सकता है आपको छोड़ा थर्ड पार्टी की वजह से. अगर तो आप और इस पर्सन के दरमियान कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, तो मुझे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है कि इस पर्सन को आप लोगों के अगेंस्ट किसी ने मैनिपुलेट किया है, या किसी ने इस पर्सन के कान बड़े हैं, या बिकॉज वो कहते हैं ना कानों में कोई बात बोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है. कानों में रस, जहर घोल दिया है ना अगले के बारे में, आपने उसको गलत बोला है, तो वो चीज़ें फिर कैसे रिजॉल्व होंगी? किसी ना किसी ने आपके अगेंस्ट इस पर्सन को इतना अगेंस्ट किया, आपके इतने खिलाफ बोला है कि ये पर्सन शायद उस वजह से आपसे ब्रेकअप कर पाया. आपके खिलाफ कुछ ऐसा बोला हो सकता है कि इस पर्सन के लाइक आप नहीं हो, या आपका कनेक्शन, आपकी जोड़ी नहीं बनती कोई, या फिर आप लोगों, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, वट एवर द सिचुएशन इज, बट किसी ना किसी ने इस पर्सन को ट्रैप किया है. और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है ये पर्सन मटेरियलिस्ट देख के, उसको पैसा देख के, काफ़ी लग्जीरियस देख के उसको, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ थर्ड पार्टी की तरफ. अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई है, मेल फीमेल वट एवर द जेंडर इज, इसने उस वजह से आपसे कनेक्शन ख़त्म किया. यहाँ पे आप मैनिपुलेशन की गई है, चाहे आप आपकी की है, चाहे इस पर्सन की है, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन है, बिकॉज यहाँ पे द मून की एनर्जी है, द डेविल है. आपसे कुछ ना कुछ तो छुपाया गया है इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि अभी
जो है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, आपके पास आना चाहते हैं बट इनको बहुत डर है, बहुत फियर है कि जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़ के गए हैं, जिस तरह से आपको पेन में इस पर्सन ने छोड़ा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन थी जब इसने आपको छोड़ा, तो वो सिचुएशन आप लोगों ने अकेली डील की, इस वजह से इनको आप डर है, ये पर्सन कंफ्यूज है कि किस तरह से आपकी तरफ आए। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ, आपको चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं हैं। अब आपको जिस तरह की भी चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को बेटर पता है। अगर आपको लगता है कि ये किसी की वजह से आपको छोड़ के गया, इसको परवाह नहीं है, ये तो बड़ा खुश है, नो नॉट एट ऑल, द ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड गाइस। ये आपको चाहता है, आप लोगों में हो सकता है कुछ लोग इस पर्सन के साथ लिव इन में भी रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में भी सोचता है। इस पर्सन को आपसे दूर है कि आपकी एडिक्शन हो रही है, पहले तो मैनिपुलेट हो गया बट अभी मुझे लग रहा है इस पर्सन की वहाँ पे भी एंडिंग हो चुकी हुई है, क्योंकि अगर आप किसी पीछे लालच की वजह से जाओगे ना तो वो कनेक्शन कभी भी नहीं चलेगा। इस पर्सन का मतलब पूरा हो गया, सब कुछ कर लिया इसने, पैसे की भी जो भी था अपना टाइम पास कर लिया अच्छे से, यू नो लग्जूरियस स्टाइल में, तो अब वहाँ से भी इस पर्सन को वो लस्ट थी, अट्रैक्शन थी, वो ख़त्म हो गई। अब ये वापस आपके पास आना चाहता है पर्सन, दिस पर्सन रियली वांट्स टू डेट यू। हो सकता है इसने आपको छुपा के किसी और के साथ डेट किया हो, उस वजह से आपको छोड़ा है, शायद आपको पता भी हो इस चीज़ का, शायद ना भी पता हो, बिकॉज दिस इज ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ हाइट है। अब वो इसके इमोशंस भी हो सकते हैं कुछ लोगों की पर्सन से, कि आपकी तरफ उसने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए और ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, या इमोशंस एक्सप्रेस होने से, लव कन्फेस होने से पहले ही किसी और ने इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो वो जस्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, लस्ट हो सकती है, बट आपकी इसको एडिक्शन हो रही है, अभी आपके पास वापस आना चाहता है, बिकॉज इसको सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील होता है, या आपके साथ फ्रेंडशिप वाला टाइम याद करता है, अगर आपकी इसके साथ फ्रेंडशिप थी तो, या आपकी फ्रेंडशिप प्लस रिलेशनशिप था तो ये उसको याद करता है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों की फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है। सी यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, डेफिनेटली फाइव ऑफ कप्स, ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट कर रहा है और ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, डबल फाइव नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज 24 एज हो सकती है इस पर्सन की, या 25 एज भी हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैगिटेरियस, आपके दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है उस वजह से ये पर्सन अपने आप को काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं, इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है आपको छोड़ के जाने का, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है और अब ये पर्सन आपसे दोबारा यूनियन करना चाहता है। कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनके भी यहाँ पे शादी के दरमियान जो सेपरेशन हुआ आपकी मैरिज में, वो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है, कि लोगों ने मतलब सब भी लड़ाई करना स्टार्ट हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, समझ ही नहीं आ रही थी क्या चल रहा है, उस वजह से आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम रिग्रेट कर रहे हैं। उस टाइम तो उन्होंने सुन ली उनकी, बट अभी रिग्रेट हो रहा है इसको, और ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, ये आपके साथ अपना घर बसाना चाहता है ये पर्सन। अगर आप सिंगल हो, ये सिंगल है, तो ये आपके साथ यूनियन करना चाहता है। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू स्पेंड आवर गोल्डन टाइम विद यू, क्वालिटी टाइम विद यू। इनको रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ के जाने का, इसको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ मिल रही है ना, खुशी नहीं है पर्सन, सीधी बात है भाई, कोई नहीं खुशी है पर्सन, इसको रिग्रेट हो रहा है, ये आपको लेकर काफ़ी पोजेसिव हो रहा है गाइस। पहले ये पैसे को देख के पोजेसिव हो रहा था ना, लस्ट लालच की वजह से कहीं और चले गया, तो अभी वो भूत उतर गया दिमाग से, अब आपके पास आना चाहता है। हो सकता है इस पर्सन की मदर की तरफ से भी इशू हो सकता है, वो नहीं चाहती थी, उन्होंने किसी और को इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट करवा दिया, बट अभी कोई चक्कर नहीं है भाई, वापस आना चाह रहा है ये पर्सन। देन वी हैव केमिस्ट्री एंड पैशन, यस, दिस पर्सन फील्स कि जो केमिस्ट्री आपके साथ है वो इसको कहीं भी और फील ही नहीं हो पा रही, पैशनेट आपको लेकर है इस पर्सन की फीलिंग्स, या दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम क्लोज विद यू गाइस। देन वी हैव रिसीव एंड ओपन, यस, ये अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड ये अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप उस चीज़ को रिसीव करें, या देन वी हैव मर्करी मैसेज ट्रैवल, यस, रियली दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू गाइस, के ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपसे बात करना चाह रहा है इस टाइम ये पर्सन। फेट
डिटोर्स डिवाइन इंटरवेंशन किया। इस पर्सन को लगता है कि आपका एक यूनिवर्सल कनेक्शन है जो कि आप एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकते। दिस इज़ द रिटर्न ऑन योर डेस्टनी। या एक फेटेड कनेक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ फील हो रहा है, बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे। बट विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। बट दिस पर्सन फील्स कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, चाहे आपकी लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपको जुदा कर दे, व्हाटएवर, बट ये और आप एक दूसरे के लिए बने इस पर्सन को फील हो रहा है, और ये चाहता है कि किस्मत आपको मिलवाए इस पर्सन से। देन वी हैव कम्फर्ट जोन साउथ नोड एंड क्लिंगिंग। यस, इस पर्सन को अपने कम्फर्ट जोन से गाइस बाहर आने की यहाँ पे ज़रूरत है। डेफिनेटली इनको पता है कि अगर आपके साथ यूनियन करनी है तो ये इस टाइम जिस भी चीज़ में स्टक है वहाँ से इनको आउट होना पड़ेगा, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बिकॉज क्लिंगिंग, ये पर्सन किसी तरह से आपके पास से ही जुड़ा हुआ है, पास से जो भी इसने किया है आपके साथ बुरा, या जिस तरह से भी बिहेवियर करके ब्रेकअप खत्म किया, ब्रेकअप किया ना, ये उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा गाइस। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जो है ना अटैच्ड फील कर रहा है ये पर्सन, या आपके पास आना चाहता है गाइस ये पर्सन। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू मैसेज यू, टॉक टू यू। अगर आपका डिस्टेंस है तो ये आपको ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो लव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत प्योर है। आप मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हो इस पर्सन को, लेकिन इनके इमोशंस काफ़ी हाई जा रहे हैं। ऑब्वियसली फुल मून की एनर्जी चल रही है तो इनके काफ़ी हाई से हाई होते जा रहे हैं इमोशंस, और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक पोटेंशियल दिख रही है आपके पर्सन को आपके इस कनेक्शन में आपसे। देन वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। या ये जो भी इनको चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, ये पर्सन उस चीज़ को नेचुरली हैंडल करना चाहते हैं और सिचुएशन को अलाउ करना चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो नेचुरली अनफोल्ड हो। जो भी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं आप ट्रस्ट रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, विद टाइम वो नेचुरली आपके सामने अनफोल्ड होंगे। यू गाइस डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो और पॉजिटिव रहो, अपने इंटेंशंस को आपने प्योर रखना है, बाकी फिर देखिए फेट क्या करती है। रिट्रीट, या पहले ये दूसरों की सुनते रहे हैं, अब ये किसी की भी नहीं सुनेंगे, दुनिया से अपने इर्द गिर्द के लोगों से डिस्कनेक्ट होके ये आपको ट्रीट करना चाहते हैं अच्छे वे में। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, बट स्टिल आप लोगों के दरमियान अगर कोई रेड फ्लैग्स हैं आप लोगों ने उसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको कहीं से भी कोई नेगेटिव साइन आता है या आपको लगता है कि अब यहाँ इस पॉइंट पे, किसी भी चीज़ के पॉइंट पे आपको लगता है कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं या दोबारा भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपने इग्नोर नहीं करना। टॉक विद देम इन अ क्लियर वे। देन वी हैव रिकॉन्सिलेशन। डेफिनेटली ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है गाइस। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग योर लाइफ। ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको गिल्ट हो रहा है आपको छोड़ने का। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ये पर्सन। या नाउ लेट्स सी मोर। आपके लिए 13-31 नंबर किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को भी गाइस किसी चीज को भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव एम्ब्रेस फ्रेंडशिप। या अगर आप लोग किसी फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हो, या ये आपका लवर भी है, तो ये आपके साथ सबसे पहले अपनी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहता है गाइस, ताकि आप एक दूसरे को एक्चुअली अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और जो भी कोई दिल में बात है वो एटलीस्ट क्लियरली आप एक दूसरे को बोल पाओ। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीचे भी हमारे पास द मून की एनर्जी थी नंबर 18 9 की, तो डबल मास्टर नंबर 9 आपके लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव रिलीज एंड लेट गो। ये पर्सन जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करके, लेट गो करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ये किसी चीज़ में कैद है तो उधर से अपने आप को निकाल के आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 39 एज भी हो सकती है। देन वी हैव 25 स्टडी टू नो योर सेल्फ। ये अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली इसको चाहिए क्या है आपसे। 25 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 7 किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्म। ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं गाइज। आपके और इसके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, इस
सेपरेशन ने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है और ये अपनी पास्ट की हर चीज़ को रिलीज करके आगे एक न्यू बिगिनिंग की तरफ देख रहे हैं। 41 एज भी हो सकती है, नंबर 5 भी किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीचे ऑलरेडी 5-5 की एनर्जी है, ये भी 5 की एनर्जी है। 555 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। तो ये चीज़ों को रिबर्थ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, री यूनियन की तरफ, री कॉन्सिलिएशन की तरफ, आपसे दोबारा रिकोनेक्ट करना चाहते हैं बट इन अ बेटर वे। या सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।